यार क्या कर रहा है, मिल जाएंगे यार, क्या कर रहा है। दे दूंगा पकोड़ा दे खाएगा, मत कर यार। दे दूंगा पकोड़ा खाएगा शाम को इफ्तारी के टाइम। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये आज निकाले हैं गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी बॉय व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। आज मैं अपने घर पर हूँ, तो आज बारिश भी हो गई है, बाहर बारिश चल रही है, तो सोचा कि थोड़ी सर्दी लगी तो क्यों ना आज पकोड़े बनाए जाएं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने घर में देसी पकोड़े बनाने जा रहे हैं, और वो भी प्याज के। देखो अच्छा तेरा हाँ, और कुछ नहीं डालेंगे, प्याज बेसन वगैरह डालकर, मिर्ची वगैरह डालकर। तो चलो गाइस करते हैं प्रोसेस जो है वो स्टार्ट, तो बनाते हैं पकोड़े। तब तक इफ्तार का टाइम भी है, वो नज़दीक आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, हम बनाने जा रहे हैं हम पकोड़े। सो गाइस, तो अब जो है वो बेसन जो है वो हमने बना लिया है, ये देखें आप। तो अब तेल जो वो गर्म करने वाले हैं, तो फिर इसको तेल के बीच डालेंगे, तो बनेगा खूब मज़ेदार स्वादिष्ट पकौड़ा। सो गाइस, तो देखें आप जो है तेल भी जो है वो कम ही रखा है यार, वो क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो क्या करें यार, थोड़ा थोड़ा ही तेल डालना पड़ता है। देखो अब धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है, लगता है तेल गर्म हो गया है। अब इसके बीच डालते हैं पकौड़े, तो देखें आप भी कैसे बन रहे हैं पकौड़े। अब डालने जा रहे हैं हम इसमें जो है वो ये बेसन, ये वाला जो है ये इसमें डालेंगे, तो बनेगा खूब बढ़िया स्वादिष्ट पकौड़ा। आज ये देखें प्याज का, देखो मुंह में भी पानी आ रहा है, ऊपर देखो कैसे घी, इसके बीच थोड़ा सा घी भी डाला है। हाँ, तो अब खूब मज़ेदार स्वादिष्ट पकौड़ा बनेगा, देखना यार कैसा बनता है। जो अब डालते हैं इसके बीच, तो ये लो जी हम डाल रहे हैं। गर्म लग रहा है, गर्म गर्म गर्म। यार बहुत गर्म है, तेल गर्म लग रहा है हाथ में, और तीसरा इधर हेल्पर भी नहीं है जो कैमरा आज पकड़े, यार अकेला ही हूँ इधर, क्या करें। वो किधर चला गया, पूना 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 कहाँ भरक गया अब। सो गाइस देखें आप जो है पकोड़ा हमारा रेडी हो रहा है, इधर ये देखें बीज यार, इस तरफ अंधेरा है थोड़ा तो साफ क्लियर नहीं ना दिख रहा है आपको, ये देखो जी। और रहीम कहाँ से टपक गया, इधर आ जा यार, पकोड़ा बना रहा हूँ यार, इधर तू आ जा, आ जा, मुझे हेल्प चाहिए थी यार आदमी की, तो हाँ हेल्पर आ गया यार, रहीम आ गया इधर। तो आज पकोड़ा बनाएंगे, वो प्याज वाला पकोड़ा बनाने जा रहा हूँ ना, तो ये रहीम आ गया है पीछे। आप देखें ये इधर आकर खड़ा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गया था, बैल किधर लेकर गया था। तो आज इधर ही अफतारी करेंगे ना, मेरे घर ही अफतारी करना, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो खूब मज़े से खाएंगे पकोड़े, ठीक है। उस दिन भी तू नहीं आया, पहले 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 उस दिन भी लाए थे, तो तू आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया यार, पता ही चला गया, कहीं और गया होगा तो पता नहीं, बोला भी था। तो सो गाइस आज जाइए आप भी यार, तो अफ्तारी का जो है, और घड़ी उस टाइम निकाली थी यार, वो इसकी याद ही नहीं मिल पड़ी है, क्योंकि पकौड़े बना रहे थे तो घड़ी उतार दी थी कि ये गर्म हो जाएगी, तो टाइम जो है वो ठीक नहीं आएगा। बाहर से बारिश भी है जो तेज तेज चमक रही है, बारिश बदल आसमान से, तो घड़ी भी किसी की है, घड़ी तो तेरी ही है राहिम यार, तुझे ये तो तूने दिया यार, दे दूंगा तुझे, वापस दे दूंगा यार, और घड़ी की भी याद करा रहा है आपको, कोड़ू के साथ दे दूंगा वापस, बहुत बहुत इतना शुक्रिया है जो टाइम दिखाने के लिए दे दी तूने। हाँ लेकिन अच्छी है यार, मुझे जच रही है, देख नाइस लग रही है। तो पकौड़े देखें आप,
मन कर रहा है खाने का मुझे भी बहुत, तो क्या करें, रोज़ा है उसको, जब तक अजान नहीं होती तब तक बंदा जो है जिसने रोज़ा रखा होता है ना वो अजान का इंतज़ार करता रहता है, तब तक वो रोज़ा इफ्तार नहीं करता, ना ही कुछ उठा के खाता। ऐसे तो ऊपर उठा लेंगे ऐसे, लेकिन मुंह में नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी रजा के लिए रोज़ा रखा है, दुआ पढ़ के फिर इफ्तारी करते हैं, यही है मुसलमान का तरीका। पकौड़े वगैरह ज़्यादा रमज़ान में खाया कोई ना, मतलब पूरे त्रे लगाइए इतने एक तो खाई छोड़े, चलो कुतरे शाम ने टाइम तो समोसे ना खाया, मतलब पूरे पुली का रोज़ा त्रोड़ी छोड़ो। देख सकते हैं आप ये आज निकाले हैं गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े, देसी पकौड़े अपने हाथ से निकाले हैं, वो भी प्याज के, प्याज और बेसन आलू वगैरह और कुछ नहीं डाला है, मिर्ची वगैरह डाली है, बहुत ही अच्छे हैं ये, देख सकते हैं जनाब आप, आपके खिदमत में भी हाजिर हैं। आइए जनाब आइए, हमारे हाथों के भी एक दिन पकौड़े खाकर जाइए, एक दिन हमारे साथ भी इफ्तारी करिए। सो गाइस, तो देखें आप बाहर जो है वो बारिश है, अभी हम पकौड़े बनाकर, रहीम ने हेल्प की थोड़ी तो जल्दी बन गए, तो पकौड़े वगैरह बनाकर हम बाहर आए हैं, बाहर जो है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश चल रही है, रोज़ा जो है वो ठंडा हो गया है, बहुत ही नाइस जो है वो लुक आ रही है, पीछे देखें व्यूज़ आ रहा है कितना नाइस आ रहा है, तो इस तरफ भी देखें जनाब आप। ये हमारा मिस्त्री है, ये पकौड़े के लिए लड़ रहा है यार, दे देंगे यार, क्या कर रहा है, मिल जाएंगे यार, क्या कर रहा है, दे दूंगा पकौड़ा खाएगा यार, दे दूंगा पकौड़ा खाएगा शाम को इफ्तारी के टाइम, खाएगा हमारे साथ खाएगा, पक्का पक्का करनी है उतारी यार, मिल जाएगा पकौड़ा, कितना खाएगा, एक पीस दो आदमी एक पकौड़ा दो, ये तो नाइंसाफी हुई, एक आदमी को एक पकौड़ा मिलेगा नहीं, दो हाँ दो खाएगा, चल यार मैं अपने हिस्से का भी तुझे दे दूंगा। Yeah.